अभी बज रहे सुबह के 6 और मैं हूँ जैसलमेर में, और अभी का टेम्परेचर है 8 डिग्री, और इतना कोल्ड है कि मतलब ये जो बड़ा वाला सा कंबल है ऐसे दो दो ओढ़ के सोना पड़ता है, इतनी ठंडी है। और हैंड ग्लोव्स को भी पहन के सोना पड़ता है, मतलब बहुत ही कोल्ड है। तो अभी सनराइज होगा 6:30 के आसपास, तो जाके टाइम लैप्स लेंगे। और फिर हमारी जर्नी कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि आज हमारी राइड का Day 3 होगा। और आज हम जाएंगे तनोट माता लौंगे वाला, और रिटर्न में जो हमने स्किप किया था गडीसर लेक वो भी कवर करेंगे। फिर आज का हमारा स्टे बाड़मेर में फिर से रहेगा, और संडे को हम जो है हमारे घर के लिए वापस निकल जाएंगे। तो भाई प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कर देना। बहुत ठंडी है, मेरे हाथ पूरे सुकड़ गए अंदर हूँ फिर भी, ठीक है। बाय बाय, मिलते हैं। तो अभी मैं जा रहा हूँ लौंगे वाला वॉर म्यूजियम, और ये वही रास्ता है पूरा, और यहाँ पे हमारी बाइक खड़ी है। रास्ता एक बार देख लो, बहुत ही सुपर ज़बरदस्त रास्ता है एकदम से। तो मतलब क्रूज़र बाइक को चलाने का मज़ा ही कुछ अलग है ऐसे रास्तों पर। तो लगेज जो है वो हमारा पूरा लोड हो चुका है, तो एक बार आपको बाइक दिखा देता हूँ दूर से, दोनों बाइक एवेंजर स्ट्रीट और हमारा एवेंजर क्रूज। टायर देखो पूरा मिट्टी में धंसा हुआ है, अभी यहाँ से पीछे से बड़ी मुश्किल से इसको यहाँ पे लाना पड़ा। सो लगेज लोड कर दिया है, और अभी हम निकल रहे लौंगे वाला के लिए, उसके बाद तनोट, और रिटर्न में गाड़ी सर आएगा तो वो भी करेंगे। मतलब ये पूरा इसका लुक्स है, पीछे से एक बार दिखा देता हूँ आपको दोनों गाड़ियाँ। सभी इसमें से बाहर निकलते और देखते हैं, ऑन द वे बातचीत करेंगे। टिल देन सी यू। चलो तो निकलने का टाइम हो गया है। जय श्री राम, जय हनुमान जी। अपने बादल के साथ अपनी राइड शुरू करते हैं। तो देखते हैं बाहर निकलने का पहले यहाँ से किस तरह से सेट होता है। मैंने इसको सीधा कर लेता हूँ। जय श्री राम। अभी ये रेगिस्तान में से निकलना है बाहर। धीरे धीरे फर्स्ट गियर में ही जाना पड़ता है, ऐसे करके तो निकल जाएंगे। बहुत ही लोड आ रहा है बाइक पे, तब ये लोग कहते हैं बाहर रखो, लेकिन लगेज इतना होता है तो इतना तल के जाने में दिक्कत होती है। चलो अभी थोड़ी मिट्टी कम हो गई,
पर बाइक 19:20 हो रही है निकलने में, पीछे का टायर चौड़ा इसके लिए निकल गए। सो फाइनली आ गए मेन सरफेस पे, सभी कोई दिक्कत नहीं है। और देखिए कैंप का नज़ारा, तो कैंप के ऊपर मतलब एक अलग से रोशनी जैसा फीलिंग आपको दिख रहा होगा, जैसे कोई बड़ा सा लाइट आ रहा हो, तो हो सकता है कि आईफोन के कैमरे का कमाल हो, पर एकदम वाइट वाइट दिखता है। और नेचुरल में मैं देखता हूँ तो थोड़ा डार्किश दिखता है, तो अपने दूसरी साइड में देखते हैं कि उसके और उसमें कितना जो है कलर डिफरेंस आता है। तो आप देख रहे हो दोनों आपको दिख रहे साइड में डिफरेंसेस आपको दिखेगा, थोड़ा डार्क और थोड़ा वाइट जैसा। मतलब ठंडी इतनी है कि मेरे ये लेदर वाले ग्लोव्स भी काम नहीं कर रहे, इतना कोल्ड है। तो मैंने डायरेक्ट राइडिंग जैकेट पहन लिया और थर्मल भी है, तो उससे जो है थोड़ा अच्छा वाला फीलिंग आ रहा है। नाक में से फिर से पानी आना शुरू हो गया है ठंडी की वजह से। तो चलिए सनराइज के दर्शन करते हैं, सूर्य देवता के दर्शन करेंगे और आपको भी करवाएंगे। सो कल रात को यहाँ पे हमारा डांस प्रोग्राम हुआ था, सो अभी पूरा खाली है। सो अभी हम लोग आए हैं टेरेस के ऊपर, सो मैं एक बार आपको आगे से दिखा देता हूँ पूरा नज़ारा कैसे यहाँ से दिखता है। ये जो है हमारे टेंट का पूरा लुक्स है। ये सामने जो है वो कैंटीन है ये साइड में, और ये पूरा कैंप एरिया है। और यहाँ पीछे दूसरा कैंप है, ये उसका है। सो, हम लोग जो आए थे वो इस रास्ते से आए थे, आगे मेन रोड है और यहाँ पीछे भी सड़कें हैं। सन का जो टाइम लैप्स है वो हमारा कंप्लीट हो गया है, सो अभी हम जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए, उसके बाद हमारी राइड जो है हम कंटिन्यू करेंगे। तो सामने है हमारी कैंटीन जहाँ पे हम जा रहे हैं नाश्ते के लिए। दोनों बाइक पूरा मिट्टी में धंसा हुआ है, रेगिस्तान की मिट्टी में, यानी रेगिस्तान की रेत कह सकते हो। तो अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं। अभी मैं खड़ा हूँ ऑन द वे टू लोंगेवाल, और लोंगेवाल है 30 किलोमीटर फार फ्रॉम अस जहाँ पे हम खड़े हैं, और मेरे पीछे है पूरा रेगिस्तान। तो यहाँ पे लोग खड़े हैं फोटो खिंचवाने के लिए, पूरा रेगिस्तान। और ये रहा ठंडा बादल, देख लो पीछे रेगिस्तान। यहाँ पे लोग फोटो ले रहे हैं।